हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दावत बेद। मैं आज आपको बताऊंगा क्लास नाइन्थ और टेंथ का जो आपका प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे, जो मेन चीज़ है नाइन्थ टेंथ में क्या है, एक गो सिक्का के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टास्क के बारे में, और एक गो आपका पासा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिक्का में क्या आता है, या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मान लीजिए अगर हम लोग कोई सिक्का उछालते हैं तो उसमें क्या आता है, हेड आता है या फिर टेल आता है, ठीक है। इसको हम लोग अपना दैनिक जीवन में किए हैं। जैसे हम लोग कभी खेलते थे तो क्या करते थे, टॉस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, देखते थे उसमें हेड आया कि टेल आया। तो उससे सबको पता है कि हेड, हम लोग जानते हैं कौन तो हेड बोलता है कौन तो टेल बोलता है, ये हम लोग को पता है, ठीक ठीक है। फिर हम लोग जो पासा होता है, ठीक है, पासा का ये भी देखे हम लोग, पासा देखे उसमें छो ई रहता है, छो का डिजिट रहता है, वो भी हम लोग देखे। हाँ। उसमें क्या रहता है, एक दो तीन चार पाँच छो, लेकिन उसमें क्या होता है, लिखा हुआ नहीं रहता है, एक दो तीन चार, ठीक है। एक के लिए एक बिंदु, छो के लिए इस तरह छो बिंदु, नहीं छो बिंदु, तीन को ऊपर तीन को नीचे। हाँ, जैसे रहता है अपना हिसाब से रहता है, ठीक है। अलग अलग, ठीक, तो इस तरह रहता है। और जो टास होता है, टास में 52 को पत्ता होता है, टास के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। जो टास होता है उसमें क्या होता है, 52 पत्ता होता है। तो 52 पत्ता में क्या होता है, दो कलर होते हैं, एक को लाल रंग होता है, एक को काला रंग होता है, ठीक है। लाल रंग में आपका 26 पत्ता आता है और काला रंग में 26 पत्ता, ठीक है। फिर इसमें भी दो का ये हो जाता है, दो टाइप में, मतलब 13 को करके बटा हुआ रहता है, इसमें 13 फिर इसमें 13, ठीक है। ये पत्ता में रहता है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट डिटो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इतना चीज़ हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसके अंदर जब हम लोग टास्क के बारे में पढ़ेंगे तो इसके अंदर फिर जाएंगे कि टास्क में जो होता है उसमें एक लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। हाँ। एक के बदले ए लिखा रहता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, ठीक है। 11 लिखा हुआ नहीं रहता है, 12 नहीं रहता है, 13 नहीं रहता है, ठीक है। इसके बदले जे के क्यू रहता है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो इस सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ गया टास्क के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और भी बता देते हैं कि हम लोग मेन जो चीज़ पढ़ना है इसके बारे में भी पढ़ना है, तीन गो के बारे में। इसके अलावा जो आगे का क्लास है, जैसे 11th क्लास, 12th क्लास, ठीक है, फिर जो ई करता है ग्रेजुएशन करता है उसका अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग का जो अभी 9th 10th में सिर्फ पढ़ना है तीन गो चीज़, सिक्का, पासा और कार्ड, टास बोलो या कार्ड बोलो, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। चलो ई हो गया, दूसरा चीज यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब देखो, कोई भी जो प्रायिकता होता है उस प्रायिकता का जो प्रायिकता मतलब क्या होता है, एक, ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा नंबर कि प्रायिकता होने का चांस, जैसे हम लोग कोई भी सिक्का को उछालते हैं, पहले हम लोग सिक्का के बारे में और थोड़ा डिप्ली में जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सिक्का को उछालते हैं तो क्या होता है, हेड आता है या टेल आता है, तो दो एगो चीज आ सकता है, ठीक है, दो गो चीज आएगा। मान लीजिए अगर हेड आया तो ये एक गो आएगा तो एक बटा दो हो गया, अगर टेल आया तो भी एक गो आएगा तो एक बटा दो आएगा। फिर जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो एलसीएम दो, फिर 1+1 बराबर दो बटा दो, कट के क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, 1/1 बना वन है ना, नीचे वाला वन का अपना लिखते नहीं तो वन आएगा। तो जो प्रायिकता होता है हमेशा एक होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ। फिर हम लोग जैसे क्वेश्चन में घुसेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा उसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग बनाते हैं पहला उदाहरण नंबर एक, उदाहरण एक बना लेते हैं, ठीक है। क्लास को क्लास नंबर क्लास टेंथ का, ठीक है, टेंथ क्लास का बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंथ क्लास का बनाओ या नाइन्थ का बनाओ, दोनों समझ में आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, हम आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये एक चीट प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है, मतलब एक बार चीट आएगा उसका एक बार प्रायिकता निकालना है, और एक बार, ठीक है, पट आने का भी प्रायिकता होगा उसको भी हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखते हैं।
तो बनाने का तरीका क्या होता है हम अपना स्टाइल में बता रहे हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे किस तरह पढ़ाएंगे, देखिए पहले हम लोग लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। कैसे होता है, जैसे कोई भी एक सिक्का हुआ, सिक्का को जब हम लोग उछालेंगे तो आप या तो वो चीट आएगा या फिर पट आएगा, ठीक है। सॉरी सर, चीट होगा, चीट और पट, जिसको हेड और टेल बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर दो एक होगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है ना, दो को आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, ये सब दिमाग में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो हम लोग बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि माना कि, पहले मानेंगे, माना कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या माना, या फिर हम लोग जब एक गो सिक्का को उछालेंगे तो दो एक चीज आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो हेड या टेल दो एक आ सकता है, तो कुल कितना आ सकता है, दो, समझ में आ गया। अब जो बोलेगा, बोलेगा क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोला है, उदाहरण एक में बोलता है कि एक चीट प्राप्त करने की, तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, पहले लिख लेते हैं चीट प्राप्त, चीट प्राप्त करने की अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो चीट प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या, जब एक सिक्का को उछालते हैं तो चीट या पट आता है, ठीक है। तो चीट और पट आता है, तो चीट आने का प्रायिकता क्या है, दोनों में कोई एक ही ना आएगा, इन्हें दोनों एक बार में एक साथ तो नहीं ना आएगा, नहीं। तो एक को आएगा, समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं आया तो बोलेगा, ठीक है, ठीक है सर। तो चीट आने का प्रायिकता एक हो गया, तो हम लोग का जो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की, प्रायिकता का ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला याद करना होता है, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब बता रहे, ठीक है, यही तो फॉर्मूला हो गया, तो याद करना, ठीक है। इसी बुक में भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं जो उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। उसी में जो बनाया है, इस तरह बनाया है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ पे ई पी ये सभी लोग मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब नहीं मानेंगे, हम लोग डायरेक्ट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या लेंगे, फिर कुल परिणामों की संख्या। अब सवाल आता है, एक बच्चा पूछा क्या कुल परिणामों की संख्या क्या होता है और अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होता है। तो कुल परिणामों की संख्या मतलब क्या क्या आ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कुल परिणामों की संख्या। जैसे हम लोग सिक्का को उछाले तो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि हेड, क्वेश्चन में बोलेगा कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड मतलब एक बुक, ठीक है। तो हेड आएगा तो अनुकूल हो गया, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, जो तो बोलेगा उसी के बारे में, समझ में नहीं आएगा बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रायिकता बराबर, ये फॉर्मूला होता है, एक बार लिख दिए, बार बार नहीं लिखेंगे प्रायिकता। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रायिकता बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग और बढ़ा के लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जब सब्जेक्टिव में आएगा तो बढ़िया से हमको लिखना होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि प्राप्त करने की अनुकूल, नहीं ऐसा चीज प्राप्त करने की अनुकूल छोड़ो, करने की प्रायिकता, चीज प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। तो चीज प्राप्त, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल की जगह क्या है, चीज का कितना हो सकता है, आ सकता है एक है ना, एक आएगा एक, फिर कुल परिणामों की संख्या कितना है, दो, 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 तो इसका आंसर क्या हो गया, एक बटा दो, समझ में आया ना, समझ में आया। अगर यहाँ पे रहता तो एक एक नंबर बन गया, मान लो अगर यहाँ पे इस तरह रहता, यहाँ तक एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बोलता कि पट आने की प्रायिकता क्या है, तो लिखते कि पट प्राप्त करने की, पट प्राप्त करने की अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है ना।
बोलते कि पट प्राप्त करने की, तो ये भी तो एक ही बार आएगा ना, जब एक सिक्का को उछालते हैं तो या तो फिर हेड या टेल आएगा या चींटी या पट आएगा, ठीक है। यहाँ पे पट बोले तो भी एक आएगा, लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए पट प्राप्त करने की प्रायिकता, पट प्राप्त करने की प्रायिकता, पट प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, एक बटा दो, भी एक बटा दो हो जाएगा, हाँ। ठीक है। और जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, सदैव वन होता है, बताए ना प्रायिकता सदैव क्या होता है, वन। तो इसको हम लोग ये तो मिल गया आंसर, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। लेकिन हम लोग अपना जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एक बटा दो प्लस एक बटा दो, जब एलसीएम लेंगे तो दो वन प्लस वन ऐड करेंगे टू बटा टू, पूरा कटने के बाद क्या हो गया, एक आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, तो हमें तो प्रायिकता क्या होता है, एक आता है। इससे क्वेश्चन भी पूछेगा, जैसे कि हम लोग का 15.1 है उदाहरण में, सॉरी प्रश्नावली जो 15.1 है उसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, घट मतलब होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, सदैव गुण होता है। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ ही है 15.1 का, इसलिए जो भी चीज़ बता रहे सब इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, ठीक है। होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता हमेशा सदैव वन होता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करके भी देख लिया कि हाँ वन है आ रहा है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। उदाहरण एक, चलो उसको उतारो जल्दी, चलो उतारो, ठीक है, अब देखो, चलो उतारो उतारो उतारो, चलो इसको साफ कर लेते, ठीक है। चलो उदाहरण दो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक ठेले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, एक वो कोई ठेला है उसमें क्या है, एक वो लाल गेंद है, एक वो पीला गेंद और एक वो नीला गेंद है, बोलते कि तथा सभी एक ही साइज की है, और जब बॉल सब है तो बॉल सब क्या है, एक ही साइज का है, ये कि कोई बड़ा है कोई छोटा वैसे नहीं, सब एक ही साइज का है, ठीक है। बोलते कि कृतिका, किसी का नाम है, बोलता है बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल हो, या तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि नीली होगी, ठीक है, होगी क्यों लिखा है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है, कि ये तो संभावना है कि हाँ नीला हो सकता है, इसीलिए हम लोग होगी लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं तो बोलता कि नीला होता ऐसे कुछ लिखता, ठीक है, मतलब भी क्वेश्चन भी संभावना में रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, ये जो बॉल है कितना है, कुल परिणामों की संख्या, परिणाम मतलब कुल कितना बॉल है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना है, बोलते हैं कि एक गो लाल बॉल है, एक प्लस एक गो नीली बॉल और एक गो पीली बॉल, ठीक है, टोटल कितना हो गया, तीन हो गया, तीन, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन जोड़ करके क्यों लिखे कि जो आदत बना रहेगा, ठीक है, नहीं तो कहीं पे यहाँ पे दो लाल गल, यहाँ पे तीन पीली, फिर इस तरह रहेगा तो फिर हम लोग का मान लीजिए जोड़ने में गलती हो गया तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको जोड़ के एक बार लिखते हैं, ठीक है। आप देखो ये लिख लिया आप एक नंबर क्वेश्चन कि लिखेंगे पीली गेंद होने की अनुकूल परिणामों, देखो रे बोलते कि पीला गेंद जो टोटल क्या को पीला गेंद हम लोग तो देखेंगे पहले पीला गेंद कितना को है, एक को, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, एक, मतलब कि उस हम तीन गो बॉल है, अगर हम एक गो बॉल निकालेंगे तो पीला गेंद सिर्फ एक ही गोल हो सकता है, ठीक है, लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर लिखेंगे पीली गेंद होने की प्रायिकता, इस तरह भी लिखते हैं या फिर डायरेक्ट प्रायिकता भी लिख सकते हैं, ठीक है, पीली गेंद होने की प्रायिकता पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या हो गया, एक बटा टोटल कितना है, तीन को, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखे कि कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो फॉर्मूला का हम लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं है, नहीं लिखे लेकिन जरूरत है, ठीक, समझ में आया ना,
सीटा हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर, यहाँ से पहला नंबर हो गया दूसरा नंबर, और इटो ऊपर में ही हेडिंग के तरह ही लिख लिए, ठीक है, इटो ऊपर में ही लिख लिए, क्योंकि हमको इटो बार बार क्यों क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या बार बार लिखने से अच्छा कि एक बार ऊपर में लिख लिए, हाँ। फिर हम लोग क्या किया, उसी में हम लोग क्वेश्चन लिख लिए कि हाँ पहला क्वेश्चन पीला बोला, पीला गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, फिर तुम्हारा लाल बोलेगा तो लाल होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, और नीला बोलेगा तो नीला गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, उस तरह हम लिख लेंगे, ठीक है, लिखेंगे लाल गेंद होने की अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या लाल गेंद होने की अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है, लाल का लाल बॉल कितना है, एक एक है, एक गो, ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए लाल गेंद की प्रायिकता, गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता एक बटे तीन, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, एक टोटल तीन, तो एक बटा तीन भी हो गया, सब में इसी तरह बनेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीली गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, नीली गेंद होने की अनुकूल परिणामों की संख्या, इसका भी एक लिखेंगे, इसीलिए नीली गेंद होने की प्रायिकता नीलीगंध होने की प्रायिकता कितना है, नीलीगंध एक गो है, एक बटा तीन, तीन गो तो एक बटा तीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस तरह ही परीक्षा में बनाना है कि ऊपर में कुल परिणामों की संख्या एक बार लिख लेंगे और एक क्वेश्चन का एक गो लिखेंगे, दो क्वेश्चन के दो गो, ये नहीं कि एक बार लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या फिर इतना बनाएंगे फिर लिखेंगे यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या, उठो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, दो नंबर को उतारो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे दो नंबर का, ना क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बुक में ही है, उससे उतारो, चलो, तो क्वेश्चन नहीं लिखने से कुछ होगा, चलो तीन नंबर देखो उदाहरण, बोलते कि मान लीजिए हम एक पासा को एक बार फेंकते हैं, ठीक है, बोलते एक को पासा को क्या करते हैं हम लोग एक बार फेंकते हैं, क्वेश्चन पहला नंबर बोलते चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, चार से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, जब हम लोग पासा को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार पांच छ, इतना तो ही संख्या आएगा, हाँ। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं ना आएगा, सात आठ ये सब तो नहीं ना आएगा, तो कितना आ सकता है, कुल छह तक ही आ सकता है, तो हम लोग लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितना आ सकता है, छ, कैसे होगा, एक आएगा या फिर दो तीन चार पाँच छ, समझ में आ गया, अब देखो कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पहला नंबर बोलते हैं कि चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, लिखेंगे चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की अनुकूल क्या बोल रहे हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, जब देखो हम लोग पासा को जब फेंकते हैं तो क्या आएगा, एक आएगा, दो तीन चार पाँच छ, यहाँ तक एक बार बताए, ठीक है, दोबारा क्यों बता रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि चार से बड़ी, मैंने ये सब नहीं लेना है, सिर्फ दो को लेना है, या फिर पांच आएगा या फिर छह आएगा, तो ठीक है, तो चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ जाएगा, दो होगा, कौन वाला दो होगा, ई वाला दो नहीं, पांच आएगा या फिर छह आएगा, दो दोनों में कोई एक गो आ सकता है, हाँ तो दो गो हो सकता है, ठीक है, हाँ तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, दो हो गया, लिखेंगे इसीलिए चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, तो हम लोग
हम इसको बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम बार बार बोलेंगे तो क्या याद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम बार बार इसको बोल रहे हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 2, और कुल परिणामों की संख्या कितना है 6। तो 1/3, 2×1=2, द्वितीय 6, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे 4 से छोटी, ठीक है, या इधर समझो अच्छा, ठीक है ना, या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की, संख्या प्राप्त होने की, होने की अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, की संख्या कितना आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4 लो या 4 से छोटा, तो टोटल क्या हो जाएगा 4, तो 4 लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए 4, सीधा लिखते हैं, उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रायिकता बराबर कितना आ जाएगा 4, टोटल 6, 2×2=4, द्वितीय 6, तो यहाँ पे 2/3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो इसको उतारो, उदाहरण नंबर 3, ठीक है, चलो इसको उतारो।